His name is Robert. Yeah, I am Robert. Then? Balmiki. आप ये देखो, मैंने बर्फ हाथों में ले ली है और ये कमाल के बर्फ है और मेरे हाथ कांप रहे हैं, लिटरली लाल हो चुके, सुन हो चुके। वहाँ से आ रहा ना? हाँ, वो जो आ रहा है आएगा, ऐसा पूरा घूमता होगा। अच्छा, और वो जो बड़े वाला राइड है 2500 जो बोल रहे हो? अच्छा, वो अच्छा। और उसका चार्ज क्या है बड़े वाले का? वो पूरा उधर से बर्फ पूरा दिखेगा। सो गाइज, हम लोग आ चुके हैं डलहौजी के, हमारे डलहौजी हिल रिजॉर्ट में, जो कि एक नया प्रॉपर्टी है और बहुत ही खूबसूरत है। आप लोग को जल्दी से एक रूम टूर दे देते हैं। दिस इज द ब्यूटिफुल गैलरी जो कि पूरा टाइटैनिक जैसा दिख रहा है। आई मीन जस्ट लुक एट इट। और ये है हमारा रूम, ये देखो डोरबेल। और चलो करते हैं एंटर। ये देखो, ये है एक आलीशान सा बेड। बैग्स को इग्नोर करना, वो इधर उधर फेंक रखे हम लोग। एक टेबल भी है, एक सिटिंग सोफ़ा है जो कि काफ़ी बड़ा है। फिर कबर्ड है, ड्रेसिंग है। जी हाँ, ये मैं हूँ। और 43 इंच का टीवी तो होगा। ये है आपका बॉम्बिंग एरिया, ये है नहाने के लिए आपका बेडिंग एरिया। और ये अनोखी चीज़ देखो, यहाँ पे आपका एक स्लाइडर भी है। आप बेडरूम से सीधा नहाते हुए ताड़ सकते हो, अगर आपकी हस्बैंड या वाइफ जो भी है, आप ताड़ सकते हो। इसको बंद भी कर सकते हो प्राइवेसी के लिए, इट्स अप टू यू। So guys, we are here in Dalhousie right now. Let me show you, let me give you the opportunity to meet some amazing people I have met right here. They are from Scotland. Hello sir, how are you? I'm very fine. What's your name? And my name is Rahul Kumar Shah. His name is Robert Shaw. No, okay. Rahul. This is R-A-H-U-L, Rahul. Okay, Rahul. Okay, what, one line for Prem? He's bloody idiot. Oh my god, that's blunt English. Now the second person I would like to show you is Prem. Hi everyone, hello. That's Peter. Yeah, I'm Peter. One line for Rahul. Rahul is a nonsense bloody fool. Another person I would like you all to meet is Mr. Sandy. Sandy, oh Sandy. Hi Mr. Santosa, oh sorry, Sandy. Santosa. Would you like to or abhi bol rahi hu wo is it really ganda abhi nahi bol rahi hu what would you like to say nothing that's the best english word what? Last person sir mr Cumbleman. Hey, good morning everyone, how are you doing guys? His name is Robert. Yeah, I am Robert. Then Balmiki. no, I'm not. Okay, Robert, one sentence for Prem. Prem is a it's very, my darling. No, Prem is my darling and he is very smart guy. ये जो पूरा एरिया आप देख सकते हो, ये डलहौजी पब्लिक स्कूल का है, दैट इज DPS। एंड ये बहुत फेमस है, ये एक बोर्डिंग स्कूल है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं इंडिया के हर एक पार्ट से। दिस एरिया इज एक्सट्रीमली डेकोरेटेड और बहुत ही सुंदर लगता है। ये आप देखो, ये लगता है आप एक डिफरेंट एरिया में ही आ गए हो टोटली। आई मीन इट्स अमेजिंग। और बहुत दूर तक ये रास्ते आपको लेके जाएंगे। वाओ, इनका अपना बास्केटबॉल एरिया भी है, प्लेग्राउंड भी है। अभी आप देखोगे, अभी अब उसी तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में बास्केटबॉल कोर्ट है, गेमिंग के लिए जगह है। तो हर तरह की को करिकुलर एक्टिविटीज़ यहाँ पे सिखाई जाती है। ये देखो, ये है वो ग्राउंड।
अब जाके ये एरिया कहीं ख़त्म हो रहा है, मतलब ये बहुत बड़े हिस्से में है, इसीलिए ये मतलब बहुत पॉपुलर है यहाँ पे। और ये अब हम पहुँच चुके हैं एक फोटो पॉइंट में, जहाँ पे बहुत से लोग पिक्चर्स खींचते हैं, तो चलो देखते हैं कैसा है। ये एक्चुअली बहुत सुंदर है, आई मीन जस्ट लुक एट इट, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ और उसके बीच आप, पीछे तो आपको वो बर्फ वाले पहाड़ भी दिखेंगे अगर आप ध्यान से देखो तो। तो अब हम लोग आ चुके हैं खजियार, और यहाँ पे एक शिव जी का बहुत बड़ा स्टैचू है, आई थिंक 81 फीट का है वो, देखो दिख रहा है। ओ हर हर महादेव, हर हर महादेव, वाह पीछे देखो यार, आई मीन पूरा बर्फ है, और आप अगर पीछे देख पाओ वो बर्फ के पहाड़ है पीछे, ये 81 फीट का पूरा ये सीमेंट से बना हुआ है और बहुत सुंदर है। और ठीक ऑपोजिट एक मंदिर भी है, तो चलो फटाफट से दर्शन भी कर लेते हैं। जय माता रानी। पैर उच्च कर, कैमरा मेरे हाथ करेगा। नहीं तो जो मीडियम राइड है वो कितने देर रहेंगे आसमान में? 3 से 5 मिनट, वो देखो वहाँ से आ रहा ना, हाँ वो जो आ रहा है ऐसा पूरा घूमते हुए। अच्छा, और वो जो बड़े वाला राइड है 2500 जो बोल रहे हो वो? अच्छा, वो पूरा उधर से बर्फ पूरा दिखेगा, ये वाला 2000 मतलब यहाँ से आ गया। हाँ। और ये 2500 पूरा ऐसे आएगा? नहीं नहीं, नीचे इससे डबल डिस्टेंस पे नीचे है गांव, एप्पल गार्डन है उस। अच्छा, तो वहाँ वहाँ लैंड है, वहाँ पे एप्पल अभी कहाँ होते हैं, पेड़ ही है ना अभी एप्पल के, अभी तो एप्पल का सीजन नहीं है। हम लोग फिर यहाँ पे कैसे हमारी गाड़ी लेके आए? और भैया कोई खतरा होता है इसमें? खतरा का हम पायलट साथ में जा रहा है, वैसे जैसे तो गाड़ी में भी खतरा ही होता है, खतरा तो सब जगह देखा जाए तो, लेकिन मजा बहुत आता है ना। क्या मस्त दिख, घुमा रहे गोल गोल उधर, घुमाता भी है। संतोष भाई जा रहे हैं। ये अच्छा है, गर्मी लगेगा थोड़ा इधर। चलो पार्किंग में मिल गया हमको। हेलो गाइस, वेलकम टू रंजीत राज ब्लॉग। आज हम लोग आ चुके हैं डलहौजी के खजियार हिस्से में, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत है, और अगर आप दिसंबर के एंड में या जनवरी के स्टार्टिंग में आओगे तो ये पूरा जो इलाका है ना, ये आपको बर्फ से ढका हुआ मिलेगा, जो कि बहुत सुंदर लगता है। अभी भी फिलहाल हालत हमारी टाइट है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन बर्फ का भी अलग मज़ा है। पर कोई नहीं, हर सीज़न का मज़ा लेना चाहिए। ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे जितनी भी घाटियाँ है जो भी है सब हम लोग कवर कर रहे हैं, और आपको ये भी दिखाएंगे कि यहाँ के जो रास्ते के व्यू है वो कैसे है। बस हमारे साथ बने रहो, आपको सारा एक फटाक से ओवरव्यू दे देते हैं। Thank you.
कहाँ मूड़ी? एक कुलचा, एक भरपूरी। मीठी चटनी है? हाँ, मिर्च बिल्कुल मत दीजिएगा। चना, आलू, टमाटर, एक भेलपूरी। कितने कितने की प्लेट है भैया? 30 का, 30 का। अच्छा, 30 दोनों का। अच्छा, 30 का, भेलपूरी 30 का। ठीक, एक एक कर दो। तुम ये देख, कोक लेने? नहीं नहीं, ये मौसम है, बहुत ही नहीं भैया, पहले हवा ही नहीं। दोनों मुझे पेशा नहीं भैया। बन गया, यहाँ पे टॉयलेट इतना ऊंचा है, आदमी रोक लेगा, बोलेगा भाई इतना ऊपर चढ़ के नहीं जाना। ये सब घोड़ों के ऊपर नाम लिखा है, देखिए, सुल्तान, शहंशाह, खिलाड़ी, वीर, राजा और क्या, बादल। ज्यादा बर्फ तो नहीं है पर कुछ कुछ तो बर्फ मिला। और ज्यादा एंजॉय करने के लिए अपना ओरिजिनल कुर्ता पहन के आते हैं। मिला बर्फ, देखे देखे, हाय है तो बर्फ। तो बर्फ फेंक मार दो। अरे मत मार, बर्फ 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 बर्फ। कैसा लग रहा बर्फ देख के? इतनी ज्यादा बर्फ है, आप ये देखो, मैंने बर्फ हाथों में ले ली है और ये कमाल की बर्फ है और मेरे हाथ कांप रहे हैं, लिटरली लाल हो चुके हैं, सुन्न हो चुके हैं, काम नहीं हो रहा। ये बर्फ ही बर्फ है, सॉफ्ट, ये स्नो है, लड़की स्नो, लड़की है। ऐसे फोटो यार गजब आ रहा है, आजा। फोटो गजब आ रहा है, कैसा लग रहा है बर्फ देख के? बर्फ देख के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अरे नहीं मेरी ये शिमले दी जान, ये कहाँ गाना है? चंबा कितनी दूर। तो गाइस हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए, अगर दिसंबर के एंड तक आते या जनवरी में आते तो यहाँ पे इतना बर्फ गिरता है कि हम लोग को ये एरिया एक्सेस करना दिक्कत हो जाता। ये एक्चुअली खजियार से और भी बहुत ऊपर है और यहाँ पे मतलब कि आना प्रॉब्लम हो जाता, बट फिर भी गुड लक, थोड़ी बहुत बर्फ हम लोगों को मिल गई है। देखिए कैसे हमारे बंदे कैसे इंजॉय कर रहे हैं। हाथ काम नहीं कर रहा, इतनी जरा सी बर्फ में हाथ काम नहीं कर रहा। अगर कश्मीर वगैरह ये लोग चल जाते तो क्या करते, किसी के पास भी विंटर वाले अच्छे कपड़े नहीं है। बोल रहा चलने को। भाई साहब क्या कर रहे हो आप? ये हम बर्फ का बनाएंगे, हम मिठाई, बर्फ का मिठाई बनाओगे जी। फिर उसके बाद हम राहुल को खिलाएंगे। राज आप चलते हैं वापस होटल की ओर, क्योंकि बहुत दूर है हम लोग तो पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन यही है कि बहुत मज़ा आया। और यू नो, अगर एक महीने और बाद आते ना तो यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ देखने को मिलता, पर हम लोग इतने ही बर्फ़ में खुश हो गए, हम लोग के हाथ लाल हो गए पूरे। पर कोई ना, एक बार पूरे बर्फ में आएंगे अपने। सो फाइनली हम लोग होटल रूम पहुंच चुके हैं, बहुत ही ज्यादा ठंड है, आप देख सकते हो, ये एक टोपी, ये दूसरी टोपी और अभी ग्लव्स व सब कुछ है, बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पे। तो अब और देर ना करके हम लोग अब खाने जा रहे हैं बस, और उसके बाद चुपचाप सो जाएंगे क्योंकि कल फिर हमें निकलना है। तो इसी बात पे वी विल जस्ट फिनिश द व्लॉग राइट नाउ, और आप लोगों को अगर अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और अगर कुछ अच्छा फीडबैक भी है जो हम लोग काम कर सकते हैं जिस चीज़ पे, ज़रूर हमें कमेंट्स में बताओ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।